नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र गुप्ता। जनपद मिर्जापुर शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम आगे बढ़ चुका है। तमाम बड़े शहरों के तर्ज पर अब जनपद मिर्जापुर में भी शिक्षा लोगों को मुहैया होने लगा है। न सिर्फ बेहतर शिक्षा बल्कि क्वालिटी एजुकेशन अगर किसी को लेना है तो इंटेलीटॉर्स का नाम वो सबसे पहले लेता है। इंटेलीटॉर्स की संचालिका हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका। और आज बच्चों ने जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया है वो अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय प्रतीत हो रहा था। कैसे तैयारी थी ये? बच्चों ने बहुत मेहनत की है, साथ में हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने हर तरह के साइंस प्रोजेक्ट बनाए हैं, चंद्रयान के बारे में बताया है, वाटर साइकिल बताया है, इससे साथ ही उन्होंने ग्रीन हाउस के बारे में बच्चों को बताया है। अभी तक टीचर्स ने जो भी साइंस के बारे में बच्चों को समझाया, बच्चों ने उसी के हिसाब से सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और बच्चों को भी इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आया है। बच्चे बहुत ही खुश हैं ये सब बनाकर और बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने चीज़ों को डिस्क्राइब करके पेरेंट्स के साथ और अपनी सारी जो भी एक्टिविटी है सारी दिखाकर। मेरा बेटा फर्स्ट है इंटेलीटॉर्स प्री स्कूल जो कि बथुआ तेराहा पे है, वहाँ पे पढ़ता है। और इसने आज साइंस एग्जीबिशन है स्कूल में, तो इसने आज वेदर पे जो इंडियन वेदर्स हैं, 4 इंडियन वेदर्स, उस पे आज प्रोजेक्ट तैयार किया है रिधान ने। और स्कूल वाकई बहुत अच्छा है और ये कुछ ना कुछ न्यू थीम के साथ आते हैं और हम लोग को भी बच्चों के साथ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। रिधान अपने प्रोजेक्ट दिखाओ आज जो तुमने बनाया है एक बार। 4 इंडियन वेदर्स, विंटर, समर, रेनी सीजन एंड स्प्रिंग। हाँ, बच्चों में मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड, मतलब जितनी ये क्रिएटिविटी बच्चों को करवाते हैं उससे बच्चे दिन पर दिन बहुत इंप्रूव हो रहे हैं और वो बहुत एक्टिव भी हैं और क्रिएटिव भी बहुत हो रहे हैं। वो खुद से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि मम्मा बना नहीं पाते अभी, लेकिन मम्मा ये बनाना है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों से अलग है, मतलब ये थोड़ा सा क्रिएटिव हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ हम लोग को नहीं पता रहता है लेकिन बच्चे अपने से बताते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग नहीं जानते लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर एक्टिविटी से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम लोग को आके घर पर बताते हैं, बहुत अच्छा है स्कूल। कहा जाता है कि छोटे क्लासेस की पढ़ाई यहाँ की जाती है लेकिन बुनियादी तौर पे बहुत ही मजबूती से शिक्षा दिया जाता है, क्या इसका असर व्यापक तरीके से आगे जाके मिलता है बच्चों को? ऑफ कोर्स, एक्चुअली हम जो भी शिक्षा देते हैं बच्चों को वो मॉन्टेसरी मेथड से देते हैं और प्लेवे मेथड से देते हैं। एक बार जो बच्चों के दिमाग पे जो भी चीज़ बन जाती हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं अगर वो उसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो आई थिंक कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे बच्चे बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम छात्रों के परिजन भी आज यहाँ मौजूद हैं जो इस विशेष कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। किस तरीके की तैयारी थी और कैसा आपको लगता है यहाँ का? अच्छा लगता है, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं स्कूल आके, तो अच्छा लगता है। मैं बहुत चिंता में थी कि मेरा बेटा अभी बड़ा होगा तो किस में जाएगा, वो तो ऐसा था कि जब उसका स्टार्ट होना हुआ तो ऐसा स्कूल खुल गया तो मैंने उसको यहाँ पर डाला, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ से। जी, बच्चों का मन स्कूल में ज़्यादा लगता है कि घर में ज़्यादा लगता है? स्कूल में ज़्यादा लगता है ऑब्वियसली, यहाँ उनको फ्रेंड्स मिलते हैं खेलने के लिए, दोस्त है मेरे बेटे का, एक बेस्ट फ्रेंड है शारांश, वो उसके साथ बहुत इंजॉय करता है, घर पे भी चाहता है कि यहीं पे रहे, स्कूल जाना, ही ऑलवेज यूज टू से दिस। बहुत धन्यवाद। तो जिन छात्रों का मन घर में कम स्कूल में ज़्यादा लगे तो निसंदेह ये माना जा सकता है कि जो पठन पाठन का जो बेहतर माहौल है खासतौर पर खेल के तरीके से या तमाम जो है अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके अगर बच्चों का मन लगता है तो निसंदेह सर्वाधिक सर्वत्र चर्चा शायद इसीलिए इंटेलीटॉर्स स्कूल का जनपद में होता भी रहा है। अच्छा, इस वक्त अगर बच्चे चाहें तो कौन सी क्लास में यहाँ प्रवेश उनको मिल सकता है? बच्चे यहाँ टॉडलर से लेके UKG तक के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, समय निकाला। तो वास्तव में जनपद का अति प्रतिष्ठित स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं है कि बेहतर शिक्षा दी जाती है बल्कि तमाम अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त संपूर्ण परिसर में तमाम ऐसे गार्जियन हैं, परिजन हैं जो अपने छात्रों को यहाँ एडमिशन करा के वो निश्चिंत जो है वो प्रतीत नजर आते हैं। हाउस है ये, हमारे मॉडल का नाम है ग्रीन हाउस। इसकी जो ये रूफ रहती है ये पूरी कांच की बनी रहती है ना,
इसका जो छत है ये पूरा रूफ कास्ट का रहता है, इसके अंदर जब सन की लाइट पड़ती है तो ये अंदर बहुत हीट रहता है, और इसमें हम टमाटर, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब इसमें ग्रोन अप कर सकते हैं। और जब भी इसके अंदर ये हॉटनेस ही रहता है, ये अंदर हॉट ही रहता है, इससे हम लोग जो है बहुत सारे जैसे नहीं आते हैं, लेकिन ये अंदर हमेशा जो है वार्म रहता है, इसमें हर कुछ ईजिली अच्छे से ग्रोन अप हो जाता है। Anyanka Mehrotra, she is in nursery class, and like here when we have come here, though like she was good in oral work, but writing work is like little lacking. Now when she has joined, so now she is good in oral as well as her writing portion is also good. Actually, इन लोगों का है ये model sort of making है, जो कि most of the work तो mother का तो है, parents का है, लेकिन मेरी बेटी ने भी इसमें कलरिंग किया है। अगर आप उसका मॉडल देखोगे तो उसने बनाया है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो कि उसने स्टिक कलर किए हैं, उसको स्टिक करने के लिए मॉडल में जो है, एंड उसके अलावा उसने कलरिंग भी किया है, और मेरे साथ उसने चार्ट पेपर को स्टिक करना कि मामा लाइए मैं हेल्प कर देती हूँ, फेविकॉल मामा पकड़ा रही है, शी वॉज लाइक ऑल दीज सॉर्ट ऑफ शॉर्ट शॉर्ट हेल्प इज रियली गुड, लाइक शी इज़ इन्वॉल्व इन द वर्क, लाइक वी आर हैप्पी। कि जैसे कि पहले ये था मेरी बेटी का कि भाई सिर्फ वो पहले ओरल में थी, क्योंकि हम लोग बाहर से ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो अब जब ट्रांसफ़र होके हम लोग इस नई जगह पे आए, पहले हम लोग बहराइच में थे, तो वहाँ पे क्या था कि वो ओरल भी कराते थे, रिटर्न तो बहुत ज़्यादा था, जो कि नर्सरी में अब आई है, ये इसने प्ले ग्रुप पढ़ के आई है मेरी बच्ची, तो अब जब ये नर्सरी में आई है तो उसके हिसाब से रिटर्न और ओरल दोनों ही यहाँ पर अच्छे से करा रहे हैं। लंग्स क्या होता है, हमारे जो ब्रीथ होते हैं, हम ब्रीथ किसके हेल्प से लेते हैं, लंग्स के ना, नोज से हम ब्रीथिंग करते हैं ना, एंड इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे जो कभी कोल्ड होता है तो हम ठंडी हवा तुरंत नहीं लेते हैं, तो हम इनहेल किए फिर ये हमारे सारे जो सांस होते हैं, जो हमारे कोल्ड और एयर होते हैं। हमारे फर्स्ट का स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा, यहाँ पे तरह तरह की जो है मॉडल्स बनाए गए हैं, और बच्चों को ब्रीफ करके बताया गया, जैसे कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये वाटर साइकिल का है, हम इसे बताते हैं कि वाटर साइकिल कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि सन है, सन की रेज बहुत तेज हमारे जो है पानी में पड़ेगी, जब पानी बहुत हीट हो जाता है तो वेपर बनाता है, वेपर बनाता है कि वो इवापोरेट होता है, स्काई में जाता है, फिर वो क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है तो फिर जो है क्लाउड फट जाता है, और जो रेन होता है फिर रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए रेन हो रहा है, और जब पानी का जब बारिश होती है तो उसका जो वाटर इकट्ठा होता है वो हमारी वेल में होता है, रिवर में इकट्ठा होता है, हमारे टैंक में भी इकट्ठा होता है, बहुत सारी जगह जो है पानी रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है। मेरा नाम आरती अग्रवाल है और मेरी डॉटर तनिष्का यहाँ पे नर्सरी की स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन कराने के बाद निश्चिंत हूँ, क्योंकि ये स्कूल मेरे बच्चे की एजुकेशन को लेके या कुछ भी किसी भी और भी अदर फील्ड की अच्छे से अच्छी तैयारी पर ध्यान देता है, और यहाँ की केयरिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ का वे ऑफ कल्चर इन्होंने बहुत अलग तरीके से अपनाया हुआ है। फर्स्ट का इंटेलिटॉट्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। इज मेड बाय अवर लिटिल वन हैंड तनिष्का। She explained about the transport, air transport, land transport, water transport, transport name aeroplane, land transport to train, car, scooter, truck, water transport, boat, ship, submarine, like. बेटी आराध्या नर्सरी में है, इस अब इस बार PP1 में जाएगी, और जब ये यहाँ आई थी एकदम जीरो था, पर इसमें 99% वर्क कर गई है, बहुत ही अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छा है, और सारे ऑल टीचर्स गुड, मैनेजमेंट हर चीज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पहले सोचती थी कि अपने बच्चे को किस स्कूल में डालूंगी, मतलब कि जहाँ हर एक चीज़ बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं, और प्लस मतलब अपनी माँ की तरह जो केयर करे और बच्चों के फीडबैक भी ले, तो ये यहाँ बेस्ट है, मुझे हर चीज़ एकदम बेस्ट मिला, अच्छा रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। बच्चे को यहाँ पर एडमिशन करवा के हम लोग एकदम फ्री हो गए, बच्चा अपने आप ही स्कूल आने के लिए रेडी होता है, उसको कोई हमको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, और स्कूल में जो भी कुछ एग्जीबिशंस वगैरह लगती है बहुत ही अच्छी, बच्चों को समझदारी के लिए, बच्चों को क्या सीखना है उसको अच्छे से बहुत सिखाते हैं, और मेरी बच्ची भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करती है। आज बच्चों का साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो कि बच्चों को जो भी कुछ क्लास में बनवाया है
सिखाया है, तो वो सब चीज़ें बच्चों को बना कर लेकर आनी थी। Okay, स्कूल का नाम फर्स्ट क्राई इंटेलीडोट्स, मेरी बच्ची नियति सिंह, ये है टॉडलर में। यहाँ मिर्जापुर में ऐसी व्यवस्था देखकर तो मैं बिल्कुल ऐसी फ्री हो गई हूँ स्कूल भेजने के लिए बच्चों को कि क्या बताएं। एक बच्चा और मेरा बड़ा हो रहा है, उसका मैं एडमिशन यहीं पे कराऊंगी अगर इन केस ट्रांसफ़र नहीं होता है तो। आई एम द टीचर ऑफ द फर्स्ट क्राई इंटेलीडोट्स प्री स्कूल। सर ये हमारे स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहाँ पर यहाँ पर हमारे टीचर्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, हमारे बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं साइंस से रिलेटेड। यहाँ पर मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पर प्रोसेस ये है कि यहाँ से ये हमने वाटर यहाँ पर डाला और ये हमारी बॉडी में इस तरीके से वर्क करता है। लाइक हम यहाँ से जब भी पानी पीते हैं तो ये पानी हमारी बॉडी के इन पार्ट से मूव करते हुए नीचे लीवर में आता है और एज ए यूरिन ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। हमारा सुधीर रावत है, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ और मेरा बेटा यहाँ पे सारांश कुमार अभी टोडलर में थे, अभी न्यू क्लास में एडमिशन हुआ उनका, नर्सरी में गए हैं वो। और बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत खुशी की बात है कि हमारे मिर्ज़ापुर में बथुआ चौराहा पे ही यानी कि रुद्र कॉलोनी के अंदर फर्स्ट क्राई इंटेलीडोट्स के प्री स्कूल है बच्चों का और मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा दिन में दिन डेवलप करता जा रहा है और अभी तो सिर्फ प्री स्कूल में हैं, प्री क्लासेस हैं, सिर्फ खेल ही रहे हैं, एजुकेशन में भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल, सारा सबका नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा लगा, बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और यहाँ का स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल जो भी हैं बहुत अच्छे हैं और मेरे बेटे का इतना अच्छा सेलिब्रेट किया बर्थडे, इसके लिए मैं सारे स्कूल स्टाफ को मैं तहे दिल से धन्यवाद। प्रोजेक्ट है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसमें कैसे यूरिन हमारे बॉडी से थ्रू आउट होता है फिर एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पानी पीते हैं। सारे पार्ट से ऐसा वेंस के थ्रू जो है पहुँच करके तब ये लास्ट में ब्लैडर पे आता है तो थ्रू आउट होता है हमारे बॉडी से, किडनी थ्रू ब्लैडर के थ्रू लास्ट में जो है हमारे बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है। मेरी दीदी की बच्ची पढ़ती है फर्स्ट क्राई इंटेलीडोट्स प्री स्कूल में, स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें याद कर रही है और सारी चीज़ें बताती भी है और स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें और वो हर एक चीज़ इजीली, उसने अपना मॉडल भी बनाया है, उसने हर एक एक चीज़ अपने आप खुद बताई है सीट सेडलेंस एंड पूरा मॉडल के बारे में और उसने खुद से ही हम लोगों ने हेल्प करी है और उसने अपने आप बनाया। घर में कम लगता है उसको, बस थोड़ा सा स्कूल में बस स्टार्टिंग में करती है कि नहीं 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 नहीं, फिर जैसे ही वो वैन आ जाती है वैसे ही वो रेडी होती है, हाँ अब मेरे को स्कूल जाना है, हाँ स्कूल में मज़ा आएगा खूब ज़्यादा। सर माई नेम इज़ नाहिद फिरदौस फ्रॉम फर्स्ट क्राई इंटेलीडोट्स प्री स्कूल। सर आज हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बताने वाले हैं जो कि भारत में ये पहला ऐसा चंद्रयान है जो सक्सेसफुली लैंड हुआ है मून पर, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ भेज दो बेटा। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड माय नेम इज अद्भुत पटेल, आई लिसन इन क्लास PP1 रिसाइकल, अच्छा ठीक है। आपके रिसाइकल में कौन से प्रोडक्ट आपने डाले हैं? पेपर। हम लोग पेपर का रिसाइकल कैसे होता है? अगर वो पुराना होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रीयूज प्लास्टिक। हाँ
थैंक यू. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. माय नेम इज अवनी पांडे फ्रॉम पीपी वन. पोल्यूशन कैसे फैलता है? फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है. तो हमारे कौन से पोल्यूशन हो गया? पोल्यूशन हो गया ना. पोल्यूशन ट्री. ट्री लगाएंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन चला जाएगा. ओके, तो हमें क्या फैक्ट्रीज ढेर सारी बनानी चाहिए या फिर ट्री लगानी चाहिए? जी. गुड.